हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर बीती रात अंधाधुंध फायरिंग करते हुए तोड़फोड़ की गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दबंगई का यह मामला मौधा कोतवाली क्षेत्र में अरतरा गांव का है। यहां पूर्व प्रधान, जिसकी गांव के ही कुछ लोगों से जमीन को लेकर रंजिश चल रही है, उसने मीडिया कर्मियों को सीसीटीवी फुटेज और कार में तोड़फोड़ के फुटेज उपलब्ध कराते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही आधा दर्जन दबंगों ने देर रात उसके घर पर चढ़ाई करते हुए गाली गलौज, तोड़फोड़ और फायरिंग की है, जिसको देखते हुए उसका पूरा घर सहमा हुआ है और सुबह होने पर वह पुलिस की शरण में पहुंचा है। दबंगों द्वारा दबंगई करते हुए फायरिंग करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हरकत में है और अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। नाम सुरेश कुमार है, ग्राम अरतरा का रहने वाला हूँ, पूर्व प्रधान रहा हूँ। और आज आधी रात के लगभग 12:30 बजे गांव के दबंग व्यक्ति लल्ला, अशोक, सुशील व मनोज, इनके द्वारा मेरे घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे मेरे घर के अंदर खड़ी गाड़ी में मेरी शीशे में गोली लगी और एक दो फायर गाड़ी में लगे, जिससे मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और मैं डर के मारे अपने कमरे के घर से नहीं निकला। क्या दुश्मनी इन लोगों से? इनसे दुश्मनी ये था कि ये पुरानी रंजिश है इनके, जो है इनके इतने काम हैं। मैं प्रधानी के समय ये मुझसे गुंडा टैक्स मांग करते थे, जिसकी वजह से मैं गुंडा टैक्स नहीं दिया और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की, 2-3 मुकदमे लगे, इसकी वजह से ये मुझसे रंजिश है, यही बुराई मानते हैं, इसी के कारण जो है मेरे घर में रात में फायरिंग की। इसमें संज्ञान में यह आया है कि अरतरा गांव के प्रधान है, उनके यहाँ कुछ लोग पहुंचे थे और उन्होंने फायरिंग की और उनके जो बाहर गाड़ी वगैरह थी उसको तोड़ दिया। और उनका ये कहना है कि ये सारी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।